गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तथा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम 27 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, इंडिया बुल्स फाइनेंस ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीन बंधु महापात्रा। इंडिया बुल्स फाइनेंस ने दीन बंधु महापात्रा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रशासक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख बोडोल। अंतरराष्ट्रीय प्रशासक संघ के नए अध्यक्ष शेख बोडोल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कोरोना वायरस के कारण स्थगित हो गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कोरोना वायरस के कारण स्थगित हो गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव घोषित किया है। ये त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2020 में पांचवा संस्करण शिलांग मेघालय में मनाया जाना था, जो कि अब स्थगित हो गया है। मेघालय के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी शिलांग स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, गवर्नर सत्यपाल मलिक, मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमोदर, लोकसभा की सीट 2, विधानसभा की सीट 7, राज्यसभा की सीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीबीएस बैंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक में विलय होने को मंजूरी दे दी है। डीबीएस बैंक के बारे में जानकारी, डीबीएस बैंक सिंगापुर का एक प्रमुख बैंक है। इसके सीईओ पीयूष गुप्ता, इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2009 को। डीबीएस का फुल फॉर्म डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसके हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने आग लगने की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने आग लगने की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पॉलनी स्वामी ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आग लगने पर, तूफान आने पर, गैस लीक होने पर या किसी भी आपदा आपातकालीन की स्थिति में मदद मिलेगी। तमिलनाडु राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पालनी स्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही, 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लोकसभा सीट 39, विधानसभा सीट 234, राज्यसभा सीट 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विल्ली वॉल्स। अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ के नए प्रमुख विल्ली वॉल्स नियुक्त हुए हैं। IATA इसका फुल फॉर्म हो जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ। इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1945 को। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। IATA विश्व में हवाई यातायात को नियंत्रित करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मामाडाउ टांडजा का निधन हो गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइजर। नाइजर देश के पूर्व राष्ट्रपति मामाडाउ टांडजा का निधन हो गया है। नाइजर देश के बारे में जानकारी, नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी नियामी है। करेंसी पश्चिमी अफ्रीकी फ्रैंक है। प्रधानमंत्री ब्रिगेडियानी रफीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलन मास्क। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति एलन मास्क बने हैं। इसमें पहले स्थान पर है जेफ बोजोस, अमेजन के संस्थापक। सेकंड पर आ गए हैं एलन मास्क, टेल्सा और स्पेसएक्स के संस्थापक। और थर्ड पर है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवप्पा मेलारा। कर्नाटक सरकार ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा के नाम पर कर दिया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, महादेवप्पा मेलारा कर्नाटक के हावेरी जिले के स्वतंत्र सेनानी थे। हावेरी स्टेशन कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी, कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी बेंगलोर, सबसे बड़ा शहर बेंगलोर, राजभाषा कन्नड़। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल बिजू भाई वाला, मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 225 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री सिद्धा रुद्धा स्वामी जी। कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धा रुद्धा स्वामी जी के नाम पर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजय सिन्हा। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर विजय सिन्हा नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिहार विधानसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा की जीत हुई और वे नए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। बिहार राज्य के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को, राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। लोकसभा की सीट 40, विधानसभा की सीट 243, राज्यसभा की सीट 16 है। एक पड़ोसी देश नेपाल, 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। नवंबर महीने में कुछ इंपोर्टेंट डे हैं जिनको आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, देख लीजिए उनको। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को ही कर्नाटक दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को केरल दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को पंजाब दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे बोलते हैं, 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 7 नवंबर को महान अक्टूबर क्रांति दिवस मनाया जाता है, 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस मनाया जाता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है, 10 नवंबर को मलाला दिवस मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ये सलीम अली के जन्मदिन पर मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस मनाया जाता है, 20 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है, 21 नवंबर को यूनेस्को में दर्शन शास्त्र दिवस मनाया जाता है, 23 नवंबर को सत्य साई बाबा जयंती मनाई जाती है, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस मनाया जाता है, 24 नवंबर को राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस मनाया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कैडेट कोर डे, इसको शॉर्ट फॉर्म है एनसीसी। 25 नवंबर को विश्व मांसाहार रहित दिवस मनाया, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है,
28 नवंबर को एनसीसी स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, किस देश ने चांग E5 चंद्रमा मिशन का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।